हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में था नवंबर में हम लोग एक पप्पी लाए थे, तो उसको अभी 3 महीना कंप्लीट हुआ था और उसको हो गया था एक बीमारी पार्वो। अब सबको पता होगा जो लोग पेट्स वगैरह रखते हैं। तो हम लोग मतलब बहुत डर गए थे। पिछले 3-4 दिन से शी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग, सलाइन वगैरह चढ़ गया था तो हम लोग बहुत डर गए थे। बट आज जब मैंने घर पर कॉल किया तो अभी वो भाग रही है। अभी हम लोग उसको खाना दिए नहीं है लेकिन शी इज़ फीलिंग मच बेटर। रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी। जब मैं छोटा था तो मैं जब बार्बर के पास जाता था 5 रुपए में हम लोग हेयर कट वगैरह करवाते थे। ठीक है, 5 रुपए मैंने स्टार्टिंग किया था। नाई वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे शॉप्स में, तो वैसे जाते थे तो वहाँ पे 5 रुपए था। तो मैं कभी भी ऐसे पार्लर वगैरह गया नहीं था, जेंट्स पार्लर, अभी तक। जब तक मैं स्वीडन आया तब भी कभी नहीं गया था। तो वो जो सामने जो बिल्डिंग है वहाँ जाता हूँ मैं अपना SFI क्लास, उसका नाम है इन्फोकॉम। ट्रैफिक के लिए वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ आप देखोगे, अगर ये रेड लाइट है आपको ये दबाना पड़ेगा। अगर आप दबाओगे नहीं तो ये कभी रेड से ग्रीन नहीं होगा। तो हम लोग पहले से वेट करते थे कि कब ग्रीन हो जाए, बट फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको दबाना पड़ेगा। मतलब मैं अभी जहाँ पे हूँ मुझे लगता है ये एरिया थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू वो टनल वाला के पास जो अपार्टमेंट्स वगैरह या फिर उसका जो एटमोसफेयर है ये थोड़ा अच्छा है। बट एनीवेज मैं कहाँ था? बार्बर शॉप। हाँ, तो मैं अपनी शादी के टाइम पहली बार एक ऐसे प्रॉपर सलून गया था, मतलब जो हाई फाई स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, तो वहाँ गया था मैं और कुछ फेशियल वेशियल भी करवाया था। घर पे बोला गया था कि कर लो। तो मैंने जब हेयर कट करवाया तो मुझे, जब मैं देखा अपने आप को, मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा कि मैं जब छोटे मोटे बार्बर शॉप जाता हूँ 40-50 रुपये में जो हो जाता है उससे, और वो जो हेयर कट से कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। द ओनली डिफरेंस इज़ वो जब आप जाते हो तो वो लोग अच्छे से ग्रीट करते हैं, हाय सर हाउ आर यू, आप कॉफ़ी लेंगे या टी? तो ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे, लेकिन नॉर्मल शॉप में वैसे नहीं होती। तो मैं गया था तो वो लोग मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी दिए थे। बट हेयर कट वॉज इक्वली सेम एज कि मैं जो वहाँ करता हूँ अपने जो जान पहचान वाले छोटे 30-40 रुपये। अभी भी आज तक मैं जब इंडिया गया था, अभी दिसंबर में जब हेयर कट करके आया वहाँ से, वो भी मैंने वो 40-50 रुपये वाला किया था। तो यहाँ पर आके फिर हेयर कट के लिए आपको मिनिमम 140 क्रोना 150 क्रोना देना पड़ता है। एक अच्छा फीलिंग आएगा, चेयर अच्छी है। तो यहाँ पे आके फिर नेहल ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे अब्दू सलून करके एक है, वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करो क्या है। तो मैंने बोला यार एक बूढ़ा आदमी है, क्या ही मतलब जाऊँ। फिर मैं गया, एक दिन गया, फिर हेयर कट करवाया। वहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है जैसे आपको स्टॉकहोम में। तो 300, 400, 350 ऐसे। हमारे घर के नीचे भी एक है, वहाँ पे अभी नया खुला है, वो भी 300 का है। तो एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली उसकी तरह नहीं है, लेकिन मुझे एटमॉस्फेयर से लेना देना क्या है। मतलब मेरे को 15-20 मिनट का काम है, मैं हेयर कट करके आ जाता हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है, ऐसे अननेसेसरी वहाँ पे जाके करना। मैं आज भी जा रहा हूँ यहाँ पे हेयर कट करने, और उसी शॉप में स्टॉकहोम में हो टनल वाला लेके आप हैस्बी तक आ सकते हो ईजीली। और हैस्बी से फिर कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ। हैस्बी और हैस्बी जो भी है, और वहाँ पे आपको लगता है 100 क्रोना 100 क्रोना में कुछ भी डिफरेंस नहीं आपको पता चलेगा जब आप 300 में जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडियंस के अलावा और कोई आता है। सो दिस इज़ द सलून, यहाँ अंदर चलते हैं। सो दिस इज़ माई हेयर लुक्स राइट नाउ। जब भी मैं सलून आता हूँ जाने से पहले मुझे मन करता है कि नहीं नहीं है तो अच्छा लग रहा है, बाल तो अच्छे लग रहे, काटूंगा नहीं, बट जाना पड़ेगा। तो दिस हाउ आई लुक राइट नाउ। देखते हैं कैसा होता है हेयर कट। एंड दिस इज हाउ आई लुक राइट नाउ। कुछ खराब है नहीं। ये मैं 300 कोरोना देके भी यही होता है, और अभी 100 कोरोना में भी यही हुआ है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने उसको जो बोला उसने वही किया। ऐसा नहीं कि वो इम्पेशेंट हो जाता है, बूढ़ा आदमी है इसलिए, लेकिन आप जो भी बोलोगे वो उस तरह आपको हेयर कट करके देगा। सो दैट इज़ द स्टॉप, ट्रॉड हेम्स कॉटन। आप सिस्ता सेंट्रम से आ सकते हो या फिर हैस्बी से उतर के भी ये यहाँ से फिर वहाँ बेनिफिट यहाँ पे है कि स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो आपको उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे शॉप्स में मैं गया हूँ, मतलब गोथेनबर्ग में, जहाँ पे वो बिल्कुल समझते नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको समझाना, तो ये चीज़ आप यहाँ पे महसूस नहीं करोगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बाय द वे स्विश या फिर कार्ड पेमेंट नहीं होता, आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो 100 कोरोना आपको लेके अपने साथ आना है यहाँ पे, अगर आप हेयर कट करना चाहते हो। और हाँ, मैं ये जो बता रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं देता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ जब नए नए आएंगे तो 200-300 कोरोना देके हेयर कट करना नहीं चाहेंगे, तो फॉर देम इट्स अ गुड ऑप्शन। और जो लोग देना चाहते हैं आराम से दे सकते हैं। कोई पैसा वैसा तो नहीं है। और गाइस यहाँ पे और एक भी है बार्बर शॉप, मतलब इट्स अ सैलून, यूनिसेक्स, उसका नाम है लेविश लुक, और ये है ओडनप्लान में। ओडनप्लान मतलब सिटी सेंटर के पास है, तो हमें यहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा दूर पड़ेगा। मैं उसका भी लिंक नीचे डालूंगा। अभी हो रहे रात के 10 और मैं आया हूँ जिम, तो यहाँ पे बहुत सारे जिम्स हैं। अगर आप यहाँ पे आईटी में हो या फिर कोई कंपनी में काम करते हो, तो देख लेना कि आपके कंपनी में वो बेनिफाई वाला बेनिफिट है कि नहीं। अगर है तो उसमें आपको कुछ पैसा मिलता है, 3000-4000 कोरोना। अगर आप मेम्बरशिप लेते हो तो आपको जब छोड़ना है तो आपको 2 महीने पहले बोलना होगा, ताकि 2 महीने के बाद ही आपका मेंबरशिप खत्म होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज करता हूँ। Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? वर्कआउट हो गया खत्म। अभी हो रहे 11:15, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। पता नहीं ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वर्कआउट करता हूँ, मैं थोड़ा लिफ्टिंग वगैरह करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस टाइम मैं वेट उठा रहा हूँ तब आई ओनली थिंक अबाउट दैट वेट। तो दिन भर हम लोग नॉर्मली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वर्कआउट करता हूँ, अगर मैं कुछ सोचूँ तो आई नॉट बी एबल टू कंसनट्रेट और मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो मुझे इसलिए हमेशा अच्छा लगता है कि दिन में 1-1.5 घंटा अगर मैं कर लूँ, थोड़ा सा माइंड स्टेबल रहता है। किसी ने मुझे पूछा था कि यहाँ प्रोटीन वगैरह आप कहाँ से ले सकते हो, घर जाके बात करते हैं। बेस्ट पार्ट है जिम का, ये मेरा अपार्टमेंट है और यहाँ पे जिम है। कम बैक फ्रॉम द जिम, तो बेसिकली प्रोटीन में लेता हूँ ये वाला ऑन का वे स्टैंडर्ड। आप अगर प्रोटीन लेना चाहते हो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं जहाँ से लेता हूँ वो है डबल X स्टोर, और मैं BC AA लेता हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट, तो आप ले सकते हो। बट मैं तो फिटनेस गुरु नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा पड़ा है मेरे को, आप डबल X में देख सकते हो। एनीवेज दैट्स इट, और मैं इसका 1 स्कूप लेता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार जाए, और मैं भी अर्ज करूँगा कि आप सब लोग अगर यहाँ पे हो तो थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान दो, तो जिम वगैरह ज्वाइन कर लो तो अच्छा है, और वो कंपनी की तरफ से मिल जाता है, तो एक बेनिफिट है वहाँ। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't